नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सीन भारत। आइए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी, लोगों को मतदान के प्रति किया जा रहा जागरूक। सीएम यादव ने बुजुर्गों से किया संवाद, बीजेपी के संकल्प पत्र में बुजुर्गों का भी रखा ध्यान। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ी, 17 साल पुराने मामले में बम पर गिरी गाज। बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई, 10 मई को कोर्ट में सुनवाई, 13 को वोटिंग। बंडा विधायक की गाड़ी पर हमला, शादी समारोह से लौट रहे थे विधायक, पत्थर लगने से गाड़ी का कांच टूटा, पत्थर मारने वाले की तलाश कर रहे। विदिशा में बदहाल शिक्षा व्यवस्था, माध्यमिक शाला हैदरगढ़ में पहुंचे कलेक्टर, बच्चे नहीं लिख पाए हिंदी में प्रदूषण, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के निर्देश। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी है वे 4 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आपको बता दें कि आ रही है भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं सीएम यादव ने बुजुर्गों से संवाद किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के संकल्प पत्र में बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है। दूसरी खबर आपको बता दें कि इंदौर से आ रही है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, 17 साल पुराने मामले में बम पर गाज गिरी है, वहीं बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 10 मई को कोर्ट में सुनवाई है, वहीं 13 को वोटिंग है। तीसरी खबर बंडा से, जहां पर बंडा विधायक की गाड़ी पर हमला किया गया, शादी समारोह से लौट रहे थे विधायक, आपको बता दें कि पत्थर लगने से गाड़ी का कांच टूटा, पत्थर मारने वाले की तलाश जारी है। चौथी और आखिरी खबर विदिशा से, जहां शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है विदिशा में, माध्यमिक शाला हैदरगढ़ में कलेक्टर पहुंचे, बच्चे नहीं लिख पाए प्रदूषण हिंदी में, आपको बता दें कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के भी कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए। सबसे पहली खबर आपको बता दें कि भोपाल से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोहन यादव ने भोपाल के कोलार में 70 वर्ष से अधिक वोट करने वाले वोटरों के साथ संवाद किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी से भी संपर्क साधा। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शास्त्री नगर में 80 वर्षीय भवन लाल पुरोहित, 74 वर्षीय भव्य बाई पुरोहित, 82 वर्षीय पंकज पी नायर और 82 वर्षीय मालती गुप्ता के निवास पहुंचकर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फॉर्म भरवाए, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से रंजन भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी है जो जोरों पर चल रही है, वहीं सीएम यादव ने बुजुर्गों से संवाद किया है। जी बिल्कुल रितिका, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अभी तक 2 चरणों में मतदान हो गए मध्य प्रदेश में और अगले 2 चरणों, रंजन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के लिए जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रयास कर रही है और साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कई अन्य बड़े नेता जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है आज डॉक्टर मोहन यादव जो है भोपाल के कोलार में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 70 वर्ष से अधिक जो मतदाता है जो सूची है उनके साथ उन्होंने संवाद किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आने वाले केंद्र सरकार की जो योजना है, जिस तरीके से हम जानते हैं आयुष्मान कार्ड के तहत जो है 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज किया जाता है, उसके फॉर्म भरवाए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ ही साथ 70 वर्ष से जो अधिक लोग थे उनके साथ संवाद किया कि किस तरीके से चुनाव में जो है जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 2 चुनावों में जो है वोटिंग प्रतिशत घटे हैं उसको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 मार्च को जिस तरीके से उनका स्थापना दिवस था उस दिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि प्रत्येक बूथ पर जो है 370 नए वोट को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री से लेकर के
वीर शर्मा तक और खुद डॉक्टर मोहन यादव जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि 370 जो है एक बूथ पर नए वोटर जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते थे वो नए वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। और आज शाम में भी उनका जो है एक रोड शो होने वाला है जिसके जरिए जो है वो जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे, जनता का अभिवादन स्वीकारेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री रंजन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार जनता के बीच संवाद करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो है आज लगातार जो है पीएम मोहन यादव जो है सुबह से ही एक्टिव दिख रहे हैं, सुबह से ही वो लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं। इसके बाद शाम में भी उनका एक रोड शो का कार्यक्रम है जिसमें जो है वो जनता के बीच जाएंगे और साथ ही साथ उनका जो अभिवादन है वो भी स्वीकार करेंगे। और प्रधानमंत्री की जो योजना है, साथ ही साथ अगर हम बात करें आयुष्मान योजना की, जिसके तहत जो है 70 वर्ष से अधिक जो लोग हैं उनको जो है 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज दिया जाता है उसके बारे में बताने का काम किया गया है। और साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ संवाद किया गया और उनके फॉर्म भी भरवाया गया कि इस फॉर्म के जरिए जो है अब आप जो है 5 लाख रुपए तक का जो है वो मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। जी रितिका जी, रंजन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि सीएम यादव ने बुजुर्गों से संवाद किया तो बुजुर्गों के द्वारा कोई मुद्दे रखे गए सीएम के आगे? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो जनता की जो मांगे हैं कि महंगाई को लेकर के एक सबसे बड़ा सवाल जो है भी भारतीय जनता पार्टी से लगातार विपक्ष और जनता भी जो है लगातार उनसे सवाल कर रही है कि महंगाई को लेकर के जो महंगाई अभी इतनी हो गई है उसको लेकर के जो है जनता फीडबैक दे रही है कि किसी भी तरीके से जो है आने वाले समय में जब 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी एक बार अगर फिर से चुनाव में जीत कर आती है तो किस तरीके से काम करेगी, इसको लेकर के जो है सीएम के सामने लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं कि महंगाई को किस तरीके से काम की जाए। और साथ ही साथ जो है सुरक्षा को लेकर भी लोग जो है चिंतित दिख रहे हैं, उसको लेकर भी सीएम मोहन यादव से कई सारी बातें की गई हैं। इसके अलावा बुजुर्गों की जो मांगे थी लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से जो है मुफ्त अनाज दिए जाते हैं वो लगातार अगले 5 साल तक भी दिए जाएंगे, इसको लेकर खुशी जाहिर की गई है। और साथ ही साथ जो है कई सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है उसको किस तरीके से वो जमीनी स्तर पर काम करेगी इसके बारे में जनता से संवाद किया गया, जिसमें जनता का जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला है। और पीएम मोहन जो है वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो अगर हम भोपाल लोकसभा की बात करें तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि इस सीट के कोई नुकसान हो, उसको लेकर को जितने भी विधानसभा है वहाँ के जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ आलोक शर्मा के समर्थन में जो है वो लगातार वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी रंजन, जैसा कि आपने बोला कि बीजेपी के संकल्प पत्र में बुजुर्गों का भी ध्यान रखा गया है, आयुष्मान कार्ड के अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं बुजुर्गों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आयुष्मान कार्ड के अलावा अगर हम बात करें तो बुजुर्गों और युवाओं पर और महिलाओं और किसानों पर जो है इनका जोर दिया गया है। जिस तरीके से न्याय की जो बात की गई है, साथ ही साथ जो कांग्रेस ने जो बात कही है उसके भीतर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों के मैनिफेस्टो में अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों का एक अलग अलग देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी किसान युवा और साथ ही साथ बुजुर्गों की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस का भी जोर जो है वो युवाओं पर अधिक है। और साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों को लेकर के, साथ ही साथ बुजुर्गों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के कई सारे वादे कर चुकी है और जो कि पिछले साल भी मैनिफेस्टो में हमको देखने को मिला था। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जो है मुफ्त अनाज का जो सुविधा है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 करोड़ नए घर मकान जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं, जिन लोगों के अभी पास अपने पास घर नहीं है, जो लोग बेघर हैं उनके लिए जो है 3 करोड़ नए मकान बनाने की बात कही गई है इस मैनिफेस्टो में। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है
कि बीजेपी जो है वो लगातार जो है प्रयास कर रही है कि किसी भी वर्ग को कुचलते ना, लगातार जो है महिला और किसान से भी कई सारे वादे कर चुकी है बीजेपी। एमएसपी को लेकर के लगातार जो है हम कई दिनों से देख रहे थे, किसान अपनी मांगे कर रहे थे, तो एमएसपी को लेकर भी भरोसा दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का किसानों को लेकर के कर्ज माफी को लेकर के कई सारे मैनिफेस्टो में उसने वादे किए हैं कि लगातार अगर कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो कांग्रेस की जो किसान की जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने भी किसानों पर काफी जोर दिया है, इसके अलावा महिलाओं पर जोर दिया है। तो लगातार जो प्रयास है इसको जो है बताने का काम कर रही है, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे अन्य विधायक हो, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर के जनता के साथ संवाद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने वादे किए हैं उसको बताने का काम कर रहे हैं। जी रंजन, लोगों को मतदान के प्रति भोपाल में किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और लोगों में कितना जो उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर और कितनी जागरूकता देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दो चरणों में अगर हम 2019 के मुकाबले की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो घटा है, लगातार जो है वोटिंग प्रतिशत में जो है गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण जो है चुनाव आयोग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक वोटर जो है वो अपने घर से निकले और जितना हो सके उतना से उतना इस लोकतंत्र के जो पर्व में है वो अपने हिस्सेदारी दे, क्योंकि एक वोट जो है वो काफी हो सकता है। इसको लेकर भी जो है चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जो है कई सारी बाइक रैलियां, इसके अलावा कई सारे पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं। पूरे भोपाल में आप देखेंगे तो जगह जगह पर पोस्टर और बैनर लगा करके लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया जा रहा है, किस तरीके से वो घर से बाहर निकले। एक बड़ा कारण जो है वो गर्मी और शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो इस कारण भी जो है वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखा जा रहा है। पर इसके भीतर अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग और साथ ही साथ जितने भी राजनीति पार्टियां हैं वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि लगातार लोग घर बाहर निकले और जो भी राजनीतिक दल हैं उनके समर्थन में जिसके भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या किसी पार्टी के जो जनता है वो वोट करना चाहते हैं, इसको लेकर के जो है चुनाव आयोग लगातार जो है प्रयास कर रही है और साथ ही साथ कई बूथों पर जाकर के सुविधाएं दे रही है कि गर्मी से किस तरीके से बचा जा सकता है। ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है बूथों पर। अब तीसरे और चौथे चरण के मतदान को लेकर जो है चुनाव आयोग लगातार जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जी जी रंजन, वही एक और प्रश्न था मेरा कि जब डॉक्टर मोहन यादव बुजुर्गों से संवाद कर रहे थे तो उनके साथ और कौन-कौन से नेता मौजूद थे? जी बीजेपी के कई सारे बड़े नेता उसमें मौजूद थे। लोकसभा प्रभारी की अगर हम बात करें तो वो भी मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम से जो विधायक है भगवान दास सवनानी वो मौजूद थे, और जो है रामेश्वर शर्मा जो कि विधायक है हुजूर विधानसभा के वो भी मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी के जो है कई वरिष्ठ नेता जो है इस कार्यक्रम में मौजूद थे, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब खुद इस बात की मोर्चा संभाले हुए थे तो जितने भी नेता उनके साथ चल रहे थे वो भी साथ साथ जनता के साथ संवाद कर रहे थे और साथ ही साथ कई सारी योजनाओं के बारे में भी बताने का काम कर रहे थे। और साथ ही साथ जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद जनता के साथ मिलकर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ एक फॉर्म था जो कि योजना का लाभ मिलने के लिए इस फॉर्म को भरना जरूरी होता है, तो वो ने खुद अपने हाथों से बुजुर्गों के साथ जो है वो फॉर्म को फिल करवाया है ताकि कोई भी बुजुर्ग जो है इस योजना के लाभ से वंचित ना रह सके। इसको लेकर के जो है आज सीएम मोहन यादव समेत कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने जो है जनता के साथ मिलकर के फॉर्म भरा है। जी रंजन, जैसा कि जो संवाद जो बीजेपी लोकसभा चुनाव जैसे कि तीसरा चरण आ रहा है और जो बीजेपी है वो लगातार लोगों के बीच जाकर संवाद कर रही है, तो कांग्रेस की क्या कुछ कांग्रेस की ओर से क्या कुछ जनसंवाद किया जा रहा है? देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तरफ से अभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी लगातार भोपाल में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, केवल एक अरुण यादव और साथ ही साथ जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वोट एक नोट देने की बात कही थी, क्योंकि कांग्रेस का आरोप था कि बीजेपी ने जो है कांग्रेस के कई सारे खाते को सीज करवा दिए हैं, जिसके कारण जो है लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है,
इसके कारण जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अरुण श्रीवास्तव और साथ ही साथ जीतू पटवारी जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं। वही अगर हम बात करें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे वो कमलनाथ हो चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, तो ये जो है प्रत्याशी के समर्थन में अभी तक दिखे नहीं है, क्योंकि कमलनाथ खुद छिंदवाड़ा में अपने बेटे के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो हो सकता है कि उसके कार्य में वो बिजी हो वहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, तो वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपने क्षेत्र में बिजी थे। तो लगातार जो है अगर हम बात करें भोपाल में लोकसभा की, तो कांग्रेस प्रत्याशी जो है बीजेपी के सामने उतने अभी एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बड़े नेताओं का भी रैली जैसे प्रियंका गांधी हो गई, राहुल गांधी होगी, इनका भी कोई रैली अभी तक भोपाल में तय नहीं हो पाया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले रोड शो किया था, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से भाजपा अभी तक भोपाल लोकसभा के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है, उतना कांग्रेस नहीं दिख रही है। जी रंजन, देखा जा रहा है कि कांग्रेस का फोकस युवा वर्ग पर ज्यादा है, वहीं बीजेपी बुजुर्ग हो या महिला हो या युवा हो, तीनों पर अपना फोकस रख रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जो 5 न्याय की जो गारंटी दी है उसमें उन्होंने युवाओं और किसान और बुजुर्गों की भी बात करी है, और साथ ही साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है वो 5ों वर्ग को लेकर चल रही है। तो लगातार दोनों पार्टियां जो हैं वो सभी वर्ग को साधने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये जितने भी वर्ग हैं सभी का एक अहम रोल होता है। तो लगातार दोनों पार्टियां जो है प्रयास कर रही है कि कौन से वर्ग को अधिक साधने का प्रयास किया जाए। तो अब साफ तौर पर देखना होगा जो ये वर्ग है युवा बुजुर्ग और महिला, ये किसके तरफ अपना वोट देती है, और ये जो है हमें 4 जून को ही पता चल पाएगा कि किसके तरफ जो है कौन से वर्ग के लोग जो हैं अधिक मतदान किए हैं, इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। जी रंजन, तो आपको बता दें कि ये खबर थी भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव के 3रे चरण के मतदान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोहन यादव ने भोपाल के कोलार में 70 वर्ष से अधिक वोट करने वाले वोटरों के साथ संवाद किया, और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी संपर्क साधा। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शास्त्री नगर में 80 वर्षीय भंवरलाल पुरोहित, 74 वर्षीय भवरीबाई पुरोहित, 82 वर्षीय पंकजा पी नायर और 82 वर्षीय मारुति गुप्ता के निवास पर पहुंचकर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फॉर्म भरवाए। दूसरी खबर बता दें कि इंदौर से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में वोटिंग 13 मई को हो है। इसके पहले यहां के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई है। 17 वर्ष पुराने एक मामले में बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी है। कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता को कांति बम को 10 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा है। 13 मई को इंदौर में वोटिंग है, इसी वहीं इस मामले की सुनवाई 10 मई को है। कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में आईपीसी की धारा 307 को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी। इस मामले में फरियादी के वकील मुकेश देवल ने कहा कि कोर्ट ने धारा 161 के बयान को स्वीकार किया और खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने का भी आदेश दिया है। फरियादी यूनुस पटेल के वकील मुकेश देवल ने बताया कि मामला कनाडिया क्षेत्र की जमीन का है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, 7 मई को जो है मतदान होना है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई है, ये क्या कुछ है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल ऋतिका, अगर मतदान की बात की जाए तो इंदौर में 13 मई को मतदान होना है और तमाम राजनीतिक दल 13 मई को होने वाले मतदान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अक्षय बम की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक 17 साल पुराने मामले में उनकी जो है सुनवाई 10 मई को तय की गई है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हत्या के प्रयास के मामला को लेकर जो है अक्षय बम की मुश्किलें यहाँ पर दिखाई दे रही। तो अक्षय बम का इस पूरे मामले पर यही कहना है कि जो है कोर्ट ने अभी प्रथम दृष्टया विवेचना करने की बात की हो, 10 तारीख को जो भी सुनवाई में होना होगा उसके बाद जो है स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये 2007 का
मामला है, कनाड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जमीन का मामला है जहां पर फरियादी यूनुस पटेल की गुड्डू यूनुस पटेल की जमीन का पूरा मामला है। और उस जमीन पर जो है अक्षय कांति बम और उनके पिताजी कांति बम और यूनुस पटेल गुड्डू के बीच सौदे की बात हुई थी और कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। और उसके बाद जो है अक्षय कांति बम और उनके साथियों के खिलाफ जो है पुलिस में मामला दर्ज हुआ था। रितिका जी, वही अक्षय कांति बम का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल रितिका, अगर अक्षय कांति बम की बात करें तो उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो है उनके खिलाफ धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, कोर्ट ने धारा बढ़ाने की बात नहीं की है। ये पूरा जो है मामला प्रथम दृष्टया विवेचना की बात की है और 10 मई जो है इस मामले में जो है कोर्ट ने तारीख तय की है और 10 तारीख के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस पूरे मामले में आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी। जी, और अशरफ, और ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए रितिका, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो 2007 का मामला है, तनाड़िया थाना क्षेत्र में एक जमीन को लेकर यूनुस पटेल गुड्डू जो कि फरियादी है इस पूरे मामले में, उनका ये आरोप है कि उनकी जमीन पर जो है 50 लाख रुपए में जो है अक्षय कांति बम ने जो है जमीन खरीदने की बात की थी, उनके द्वारा चेक दिया गया था और चेक जो है बाउंस हो गया था। उसके बाद जो है अक्षय कांति बम और उनके साथियों द्वारा उस जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई, इसके साथ ही नामांतरण भी करवा लिया गया और उसके जो है पैसे जो है यूनुस पटेल को नहीं दिए गए। और यूनुस पटेल जब 2007 में 4 अक्टूबर के दिन जब अपने खेत पर जाते तो उनका ये आरोप है कि अक्षय कांति बम उनके साथियों द्वारा उन पर प्राणघातक हमला कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके खिलाफ जो है एक झूठा प्रकरण भी दर्ज कर दिया गया था। इस पूरे मामले में यूनुस पटेल गुड्डू को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन जिस तरह से ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है कोर्ट में, कहीं ना कहीं 10 तारीख जो निर्धारित की है वहीं यूनुस पटेल गुड्डू के जो वकील है मुकेश देव, उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने धारा बढ़ा दी है। साथ ही खजराना थाने की पुलिस जो है उनको भी 10 मई के दिन केस डायरी पेश करने का आदेश दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला हो चुका है क्योंकि 13 मई को मतदान होना है कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय बम। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी और अक्षय कांति बम का जो है निर्वाचन कहीं ना कहीं नामांकन फॉर्म जो है रद्द करने की मांग की थी, लेकिन जो है कलेक्टर द्वारा बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा जो आपत्ति ली गई थी उस आपत्ति को खारिज कर दिया गया था और अक्षय बम के जो नामांकन फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन सबकी निगाहें जो है 10 तारीख पर टिकी हुई थी, 10 तारीख के दिन क्या होता है क्योंकि 10 तारीख के दिन जो सुनवाई होगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रितिका जी, अशरफ, तो आपको बता दें कि खबर थी इंदौर से, जहां लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर में वोटिंग 13 मई को है। इसके पहले यहां के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई है। 17 वर्ष पुराने एक मामले में बम पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ा दी है कोर्ट ने। अक्षय और उनके पिता को कांति बम को 10 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा है। 13 मई को इंदौर में वोटिंग है, इसी पूरे मामले की सुनवाई 10 मई को है। कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में आईपीसी की धारा 307 को बढ़ा दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 मई को की जाएगी। इस मामले में फरियादी के वकील मुकेश देवल ने कहा कि कोर्ट ने धारा 161 के बयान को स्वीकार किया और खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने का भी आदेश दिया है। फरियादी यूनुस पटेल के वकील मुकेश देवल ने बताया कि मामला कनाड़िया थाना की क्षेत्र की जमीन का है। यह जमीन फरियादी की थी। अक्षय बम, कांति बम और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने वर्ष 2007 में इस जमीन का सौदा 50 लाख में करते हुए एक अनुबंध किया था। तीसरी खबर आपको बता दें कि बंडा से आ रही है, जहां बंडा विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की गाड़ी पर शनिवार की रात पत्थर से हमला किया गया। पत्थर लगने से विधायक की गाड़ी का कांच टूटा है। घटना बराइठा थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रई की पास के स्थित सिलोट नदी के घाट की है। विधायक वीरेंद्र सिंह क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। घटनाक्रम की खबर मिलते ही विधायक के समर्थक पुलिस थाने पहुंच गए, जहां विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि ग्राम बरगोई रिझाई शाहगढ़ में शादी समारोह में शामिल होकर वापस वे बंडा लौट रहे थे, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बंडा से दिनेश सिंह लोधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
दिनेश, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बंडा विधायक की गाड़ी पर हमला किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? शनिवार रात्रि की घटना है, अभी बंडा विधायक जी से बात हुई है, तो दो आरोपियों के लिए बंडा बराठा पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों का कहना है कि मेरे खेत में नील गाय आती, उसको भगा रहे थे, तभी अचानक बंडा विधायक की गाड़ी आ गई, तो आगे शीशे में पत्थर लग गया है, तो हम लोग डर के कारण भाग गए थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अभी कार्रवाई जारी है पुलिस की तरफ से। जी, विधायक का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? विधायक का कहना है कि मैं सायगढ़ क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने गया था, तभी लौटते समय करई गांव के पास सलोट नदी उसके पास किसी अज्ञात असमझ तत्व ने उन पर पथराव कर दिया, तो उनकी आगे गाड़ी का शीशा फूट गया। जी, पुलिस को क्या लगता है कि जो आरोपी है उन्होंने जानबूझकर ये वारदात को अंजाम दिया है कि जो वे कह रहे हैं वही सही है? नहीं, जो पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है तो उन्होंने बताया है कि ऐसा मेरा कुछ वो नहीं था, हम लोग नील गाय के लिए भगा रहे थे, पत्थर हाथ में लिए थे, पत्थर फेंका तो रोड पर विधायक जी की अचानक गाड़ी आ गई, जिसके चलते शीशे में पत्थर लग गया, तब वो आगे का शीशा पूरा फूट गया है। नाबालिग बच्चे हैं जिनके लिए पुलिस ने पकड़ा है, नाबालिग है वो, अभी उन पर अभी कुछ कार्रवाई की जाएगी या समझाइश देकर छोड़ दिया जाएगा उन्हें? हालांकि अभी कोई कार्रवाई की नहीं बता सकते क्योंकि पुलिस ने जांच में लिया है, अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। जी, तो आपको बता दें कि ये खबर थी बंडा से, जहां पर बंडा विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की गाड़ी पर शनिवार की रात पत्थर से हमला किया गया। पत्थर लगने से विधायक की गाड़ी का कांच टूटा है। घटना बराठा थाना क्षेत्र के ग्राम कररई के पास स्थित सिलोट नदी के घाट की है। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें कि विदिशा से है, जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार शिकवे शिकायतें स्थानीय स्तर पर आती रही है। कभी शिक्षकों का मन मर्जी से विद्यालय को खोलने एवं बंद करने की शिकायत, तो कभी शिक्षकों के स्कूल नहीं पहुंचने की शिकायत आम हो चली है। इन्हीं शिकायतों की जमीनी हकीकत जानने कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वैद्य ग्यारसपुर तहसील के संवेदनशील मतदान केंद्रों के निरीक्षण के साथ साथ स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि हैदरगढ़ माध्यमिक शाला के कक्षा 6 के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता देखने के लिए कलेक्टर ने क्लास में मौजूद लगभग 2 दर्जन बच्चों से बोर्ड पर प्रदूषण लिखने को कहा, जिस पर हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ विदिशा से शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, माध्यमिक शाला हैदरगढ़ में कलेक्टर निरीक्षण करने पहुंचे, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ पाया गया कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण के दौरान? मैं आपको बताना चाहूंगा, विदिशा पूरे जिले में ही जो है शिक्षा की बदहाल अवस्था देखने को मिल रही है। बार बार शिकायतें आपको कहीं बताया जाता है कि शिक्षक समय से स्कूल नहीं पहुँचते, कहीं समय से पहले बंद करके निकल जाते हैं, और ऐसी ही कई शिकायतें अगर होती हुई पहुंच रही थी, जिसकी उपरोक्त शिकायतों की हकीकत जानने कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य हैदरगढ़ पहुंचे थे, और हैदरगढ़ में लगभग 2 दर्जन छात्र। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। हेलो जी, एक बार फिर से बताइए। शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति जानने बुद्धेश कुमार वैद्य, जो की विदिशा कलेक्टर है, हैदरगढ़ पहुंचे थे, और हैदरगढ़ के माध्यमिक शाला हैदरगढ़ में इन्होंने जो है लगभग 2 दर्जन बच्चों से हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसमें से एक वर्ड प्रदूषण लिखने को बोर्ड पर बोला था, लेकिन लगभग 2 दर्जन बच्चों में से कोई भी बच्चा प्रदूषण शब्द को बोर्ड पर स्पष्ट नहीं लिख पाया, किसी ने प्रयास लिखा, किसी ने कुछ और लिखा। इसको लेकर कलेक्टर विदिशा बुद्धेश्वर कुमार वैद्य ने भी जो है अपनी नाराजगी जताई है, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर के उपरोक्त हकीकत जानने के बाद भी शिक्षकों पर क्या कार्रवाई की जाती है, या शिक्षा विभाग के इस रवैये को सुधारने क्या कार्रवाई की जाती है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने क्या कार्रवाई की जाती है। जी जी, वहीं कलेक्टर ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं शुभम?
हालांकि उन्होंने कहा है मीडिया से चर्चा करते हुए कि स्थितियां सुधारने के लिए सभी संकुल प्राचार्यों की बैठक की जाएगी और बैठक में निर्देश दिए जाएंगे कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए, प्रदेश में जो है विदिशा के रिजल्ट को भी जो है सुधारा जाए, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। जी कलेक्टर ने ऐसे कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया है? कलेक्टर ने लगभग एक दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण किया था, हालांकि कहीं बच्चे कम पाए गए, कहीं अन्य विसंगतियां पाई गई और ये सबसे बड़ी विसंगति देखने को मिली, सबसे बड़ी कमी शिक्षकों की देखने को मिली है कि कक्षा छः के बच्चे बोर्ड पर चार अक्षर का जो एक शब्द होता है प्रदूषण, उसे नहीं लिख पाए, ये सबसे बड़ी कमी उन्हें देखने को मिली है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर की इस और निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है, या कलेक्टर स्वयं इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, ये हालांकि देखने वाली बात है। हालांकि सूत्रों से मिली जो जानकारी है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि अभी तक कोई कार्रवाई या कोई लेटर वगैरह कुछ जारी अभी तक तो नहीं हो पाया है। जी जी जैसा कि शुभम की बच्चे प्रदूषण तक नहीं लिख पाए हिंदी में, तो ये जो कि शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो शिक्षक भी हैं जो कि उपरोक्त विषय के शिक्षक हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। यदि बच्चा हिंदी में नहीं लिख पा रहा है तो अन्य भाषाओं में जैसे कि संस्कृत है या इंग्लिश है, इनमें क्या स्थिति रही होगी बच्चों की, या क्या स्थिति है बच्चों की, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये संकुल केंद्र हैदरगढ़ के सबसे नजदीक माध्यमिक स्कूल पढ़ता है, जिसमें सभी अधिकारियों, चाहे वो जिनमें संकुल प्राचार्य हो, BRC हो, BO हो, CAC हो और अन्य जितने भी अधिकारी हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये PM3 के नाम पर ये इस स्कूल का उन्नयन का कार्य चल रहा है, PM3 का ये स्कूल है, लेकिन जिसमें सरकार के द्वारा तो बराबर जो फंड वगैरह हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर एक बड़ी कमी जो है, लापरवाही देखने को मिली है ये कलेक्टर विदिशा को। जी जी शुभम, तो आपको बता दें कि खबर थी विदिशा से, जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायत स्थानीय स्तर पर आती रहती है, कभी शिक्षकों का मनमर्जी से विद्यालय को खोलने एवं बंद करने की शिकायत का, तो कभी शिक्षकों के स्कूल नहीं पहुंचने की शिकायत आम हो चली है। इन्हीं शिकायतों की जमीनी हकीकत जानने कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ग्यारसपुर तहसील के संवेदनशील मतदान केंद्रों के निरीक्षण के साथ साथ स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे। हैदरगढ़ माध्यमिक शाला के कक्षा 6 के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता देखने कलेक्टर ने क्लास में मौजूद लगभग 2 दर्जन बच्चों से बोर्ड पर प्रदूषण लिखने को कहा गया, लेकिन कक्षा में उपस्थित कोई भी बच्चा हिंदी, जो कि हमारी मातृभाषा है, में प्रदूषण नहीं लिख सका, जिस पर कलेक्टर ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के निर्देश दिए। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन भारत।